नमस्कार स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जो यूनिट वन के अंदर है मल्टी थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम क्या होता है नाम से पता चलता है थ्रेडिंग मींस कि मल्टीपल प्रोसेस जब पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है कौन प्रोवाइड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है मल्टीपल प्रोसेस अब सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द थ्रेड थ्रेड होता क्या है थ्रेड नॉर्मली हम बोलते हैं कि जब पर्टिकुलर किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर कोई भी कोड या कोई प्रोग्राम काउंटर जब पर्टिकुलर किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ में एग्जीक्यूट होता है तो उसमें रजिस्टर काउंटर यूज में लिया जाता है और उसके अंदर पर्टिकुलर एक एग्जीक्यूशन हिस्ट्री होती हैं जिसको पर्टिकुलर एक थ्रेड के रूप में हम सेगमेंट करते हैं उस कोड को और उस थ्रेड को सेगमेंटेशन मेमोरी के रूप में हम यूज करते हैं थ्रेड को हम लाइटवेट प्रोसेस भी बोल सकते हैं लाइटवेट टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको जो एप्लीकेशंस होती हैं वो अलग अलग परफॉर्मेंस देती हैं अलग अलग पेराडिगम्स के साथ में जो प्रजेंट करती है पर्टिकुलर किसी भी सॉफ्टवेयर अप्रोच के रूप में तो चलिए हम देखते हैं वट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोड विथ इट्स ओवन द प्रोग्राम काउंटर दैट किप्स ट्रेक विथ विच इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट सिस्टम रजिस्टर विच होल्ड इट्स द करंट वर्किंग वेरिएबल्स स्टेक विच कंटेंट्स द एग्जीक्यूशन हिस्ट्री थ्रेड शेय विद दियर थ्रेड्स प्योर इन्फॉर्मेशन लाइक कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट एंड ओपन फाइल्स मैंने आपको बताया था कि जब पर्टिकुलर किसी भी थ्रेड के अंदर हम किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन लाइक कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट ओपन फाइल्स उन सारी चीज़ों को हम एक पर्टिकुलर मेमोरी आइटम के रूप में हम स्टोर करने का काम करते हैं वेन वन थ्रीडर्स ए कोड सेगमेंट मेमोरी आइटम ऑल अदर थ्रेड सी दैट इसके अंदर क्या होता है जब हम बात करते हैं ए थ्रेड इज ऑल्सो कोल्ड ए लाइट वेट प्रोसेस थ्रेड्स प्रोवाइड ए वे टू इंप्रूव द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस थ्रू पेरिजम थ्रेड्स रिप्रेजेंट ए सॉफ्टवेयर अप्रोच To improving the performance of operating system by reducing the overhead, thread is equivalent to a classical process. Each thread belongs to the exactly one process, and no thread can exit outside a process. Each thread represents a separate flow of control. Threads have been successfully used in the implementing network, service, and web server. आल शो प्रोवाइड एबल फाउंडेशन और पैलर एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द थ्रेड मेमोरी एंड मल्टी प्रोसेस द फॉलोइंग फिगर शोइंग इन द डायग्राम ये आपका सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड का डायग्राम है सिंगल प्रोसेस जब एक सिंगल थ्रेड के रूप में भी प्रोसेस करता है तो सबसे पहले उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है रजिस्टर काउंटर स्टिक डेटा फाइल और इसके अंदर इन सारी चीज़ों को यूज़ में लेकर के एक क्या काम में आता है कोड जिससे क्या क्रिएट होता है सिंगल थ्रेड जब मैं मल्टीपल थ्रेड की बात करता हूँ तो मल्टीपल थ्रेड्स में भी सारी की सारी यही प्रोसेस यूज में आती हैं रजिस्टर काउंटर और स्टिक डेटा फाइल्स इसके अंदर जो मल्टीपल फाइल्स ऑफ कोड जो होता है सिंगल प्रोसेस से मल्टीपल थ्रेड्स के रूप में उसमें फर्स्ट थ्रेड सेकंड थ्रेड और थर्ड थ्रेड के रूप में ये क्रिएशन होता है अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स प्रोसेस और थ्रेड के बारे में हम डिफरेंस का पता करते हैं तो वन वन बाय वन हम इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस और थ्रेड की प्रोसेस इज हैवी वेट और रिसोर्स इंटेंसिव इसके अंदर क्या होता है थ्रेड इज लाइट वेट टेकिंग लेसर रिसोर्स देन ए प्रोसेस प्रोसेस में अंतर प्रोसेस स्विचिंग नीड्स द इंटरेक्शन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आता थ्रेड स्विचिंग डज नॉट नीड टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम्स नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर इन मल्टीपल प्रोसेसिंग एनवायरमेंट इज प्रोसेस एग्जीक्यूट द सेम कोड बट हैज इट्स ओन मेमोरी एंड फाइल रिसोर्स इसमें क्या होता है ऑल थ्रेड कैन शेयर सेम सेट ऑफ ओपन फाइल चाइल्ड प्रोसेस इसके अंदर क्या होता है इफ वन प्रोसेस इज ब्लॉक्ड देन नो अधर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट अन द फर्स्ट प्रोसेस इज अनब्लॉक्ड इसमें होता है वाइल वन थ्रेड इज ब्लॉक्ड एंड वेटिंग ए सेकेंड थ्रेड इन सेम टेकन एज रन दूसरा होता है मल्टीपल प्रोसेस विदाउट यूजिंग द थ्रेड यूज मोर रिसोर्स इसमें होता मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस यूज फ्यू फ्यू प्रोसेस इन मल्टीपल प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ ऑपरेट्स द इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स और इसके अंदर क्या होता है वन थ्रेड कैन रीड राइट और चेंज अनदर थ्रेड डेटा नेक्स्ट क्या होता है एडवांटेज ऑफ थ्रेड्स थ्रेड का क्या क्या एडवांटेज होता है फर्स्ट एडवांटेज होता है थ्रेड मिनिमाइज द कॉन्टेस्ट स्विचिंग टाइम नंबर टू यूज ऑफ थ्रेड प्रोवाइड द कॉन्करेंसी विद इन ए प्रोसेस एफिशिएंट कम्युनिकेशन इट इज मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट द कॉन्टेस्ट स्विचिंग थ्रेड्स नेक्स्ट थ्रेड्स अलाउ द यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर टू ए ग्रेटर स्केल एंड एफिशंसीज टाइप ऑफ थ्रेड्स कितने टाइप की होती हैं टाइप ऑफ थ्रेड टू तरीके क्या होता है एक होता है यूजर लेवल थ्रेड दूसरा होता है कर्नल लेवल थ्रेड यूजर लेवल थ्रेड्स की जब मैं बात करता हूं तो यूजर लेवल थ्रेड के अंदर क्या होता है इन दिस केस द्रेड मैनेजमेंट कर्नल इज नॉट अवेर टू एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेड द थ्रेड लाइब्रेरी कंटेंट द कोड द क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग थ्रेड फॉर पासिंग मैसेज एंड बिटवीन द थ्रेड फॉर शेड्यूलिंग थ्रेड एग्जुक्यूशन एंड सेविंग द री स्टोरिंग द्रेड कॉन्टेस्ट द एप्लीकेशन स्टार्ट विथ ए सिंगल थ्रेड दूसरी चीज में हम बात करते हैं तो इसके अंदर सिंगल प्रोसेस के अंदर क्या यूज मिल जाता है डायग्राम के थ्रू यूजर स्पेस होता है कर्नल स्पेस होता है और ये सीपी यूटिलाइजेशन होता है इसके अंदर प्रोसेस वन प्रोसेस टू इसमें थ्रेड लाइब्रेरी होती है दोनों के अंदर और कर्नल स्पेस के थ्रू ये एक यूटिलाइजेशन के साथ में कनेक्टेड होता है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं एडवांटेज में थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कर्नल मोड प्रिविलेज नंबर टू होता है यूज यूजर लेवल थ्रेड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स थ्री शेड्यूलिंग कैन बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन द यूजर लेवल थ्रेड्स एक होता है यूजर लेवल थ्रेड आर फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज डिसएडवांटेज क्या होता है इन ए टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट सिस्टम सेल्स आर ब्लॉकिंग एक होता है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग नेक्स्ट होता है कर्नल थ्रेड कर्नल लेवल थ्रेड्स इसके अंदर क्या होता है कि थ्रेड मैनेजमेंट इज डज बाय द कर्नल there is no thread management code in the application area kernel threads are supported directly by the operating system any application can be programmed to be multi-threaded all of the thread within an application or supported within a single process <coughs> the kernel maintains the context information for the process as a whole and for the individual thread within the process शेड्यूलिंग बाय द कर्नल इज डन ऑन ए थ्रेड बेसिस द कर्नल परफॉर्म्स थ्रेड क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट इन द कर्नल स्पेस कर्नल थ्रेड आर जनरली स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज देन यूजर थ्रेड्स दूसरा ये कई सारी की सारी चीजें हम थ्रेड के अंदर यूज में लेते हैं तो चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और अगर मेरा वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा नमस्कार